और देखना शायद मेरी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी थी, वो आइडिया कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद आ गया, किसी लोगों ने वो रील को ज़्यादा वायरल कर दिया। हाईवे भाई लोग, मतलब तुम ट्रैवल कर रहे हो तो रात को बाइक पे या शाम को टाइम पे बिल्कुल ट्रैवल मत करना। अरे ऐसे कमी नहीं कि पानी पीने के लाया नहीं और हाथ धोने के लाया नहीं, देखो ऐसा ही जा रहा हूँ। तेरे तो मजे है आज, नहीं? हेलो एवरीवन, दिस इज रमेश शेख एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रमेश ब्लॉग्स। रमेश ब्लॉग, यो, आज अपने को छुट्टी है, मेरे को, जैन को, सादिया को, सबको छुट्टी है, पूरे इंडिया में या फिर बोले महाराष्ट्र में सबको छुट्टी है, बिकॉज आज है गणेश चतुर्थी। आज है गणेश चतुर्थी और मेरे सारे मराठी बांधवों को हैप्पी गणेश चतुर्थी, है कि नहीं? बोल हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, हाँ, ये थोड़ा उसको और पता नहीं इसलिए। बाकी सब कैसे आप लोग? एकदम बढ़िया ना? मैं भी एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास है। और एक्चुअली क्या है, बहुत टाइम आप ब्लॉग बना नहीं पाए क्योंकि हमारा वीडियो बहुत डाउन चल रहा था। क्या बोल? क्योंकि बहुत बारिश और इतना तूफान चल रहा था, बहुत बारिश तूफान चल रहा था, इसलिए हम लोग ब्लॉग नहीं बनाते, ये हकीकत है। हम लोग फिलहाल बहुत बिजी है और मेरे को बहुत सारे डीएम्स आए, बहुत सारे लोगों के फोन आते रहे, भाई क्या ब्लॉग नहीं बना रहा है, क्या हो गया। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो मेरे को जिस पर्सन जानते हैं, जिनको लोग मैं मिलता हूँ, लाइक्स फॉलो करते रहना, नहीं मेरे को बोलने देना, जिनको मिलता हूँ वो लोग भी ये बोलते हैं क्यों ब्लॉग क्यों नहीं बना रहा है। तो कैसा है ना, बहुत बिजी रहता आजकल अपन, एकदम बवाल बिजी चल रहे फिलहाल, तो बवाल बिजी बोले तो एकदम ऑफिस, जैन की स्कूल, फिर फिटनेस फ्रीक हो गए, तो जिम, ये सब भी बिजी रहा और कहीं जाने रहा हूँ तो कुछ बना नहीं रहा हूँ। अभी छुट्टी, आज का दिन है, आज अच्छा दिन है, दो तीन गुड न्यूज भी है। एक गुड न्यूज तो बहुत सही है, मतलब अपन बहुत बड़े जगह फेमस हो गए, एकदम बवाल फेमस। एंड अभी टाइम क्या हुआ है, 10:30, साढ़े का चली गई मनोर, उसको कुछ काम था, और महेश जैन दोनों घर पे, तो अभी हम लोग मस्त मजा करेंगे यहाँ से। हाँ, एक काम है, बाइक का टायर चेंज करना है, बाइक का टायर चेंज करेंगे, देन जैन को दहसर की याद आ रही है, दादा दादी की याद आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है, यो एसी लगा के तो जैन को देसे जाने, तो अपन देसे चलेंगे, वो भी कुछ कुछ है करते रहेंगे। तो व्लॉग ऐसा ही डेली व्लॉग वाला है, तो डेली व्लॉगिंग के हिसाब से बताएंगे। हाँ, ऐसे ही लाइक्स फॉलो करते रहना। ओके भाई, करो भाई करो, मेरा बच्चा बोल रहा हूँ करने के, तुम नहीं कर रहे भाई, थोड़ा तो ख्याल करो, है कि नहीं? हाँ। तो जिम फटाफट फ्रेश होता हूँ और मिलता हूँ आपको मैं। नहा तो अभी रेडी हो गया हूँ और अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 11:30। और एक्चुअली क्या है, बैकपैक करना था और कुछ सबसे बाकी थी वो करना था, क्योंकि शादी का तो है नहीं, और ये इसने पूरा इधर सामान बिखार दिया था पूरा, इसके सारे खिलौने बिखरे हुए थे, वो ठीक करने में टाइम लग गया, तो अभी रेडी होता हूँ। एंड वन मोर चीज, जस्ट मैं कॉल किया और टायर वाले को, टायर का अपना कुछ है नहीं, टायर आया नहीं है, बिकॉज पल्सर का टायर जो है MRF का, वो शॉर्टेज चल रही है मार्केट में, ऐसा बता रहा है, तो उसको आज या कल में आना चाहिए। और अभी रेडी होते हैं और निकलते हैं, किधर? दहिसर। तो फिर तो अभी आप मोबाइल चार्ज कर लिए रख दें, क्योंकि मैंने अच्छी सुबह से मोबाइल देखा। सही है, कब से मोबाइल अभी चार्जिंग लगाया, पूरा बैटरी ड्रैग किया इसने, कब से इसका डोरेमोन और ये वो सब देख रहा था, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम रेडी तो हो गए, बस बैग लगाएंगे बाइक को और निकलेंगे। रास्ते में मोटर लॉगिंग तो अपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हेलमेट का वो टूट गया। वेरी गुड, हेलमेट का गोप्रो टूट गया। यस, तो रास्ते में रुकेंगे इधर, जैन को थोड़ा दिखाएंगे क्या घाट में बंदर, तेरे भाई लोग सब तेरे जैसे, तो फिर चलिए चलते हैं। बंदर के बम सूझे रहते ना, लाल लाल रहते हैं। तो फिर चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो अपनी गाड़ी कितनी चमक रही है और थोड़े स्क्रैचेस भी लगे यहाँ पे, तो गाइस देख सकते हैं खबरें का हाल। तो यहाँ भी थोड़ा ये निकल गए, यहाँ पे भी थोड़ा है टूट चुका था, उन्होंने ठीक किया है। अब अपने
लगा रहे इसको थैली पर। और आज रात को गाड़ी बंद हो गई थी तो थोड़ी सर्विस कराई थी, फिर गाड़ी अब से चालू हो रही है। ये अपना जूनियर ब्लॉगर, और मेन चीज क्या है ये देखो, ये लेके जाना पड़ता है बैग, इसमें सारे जैन के मेडिसिन से सारे कपड़े, सबके कपड़े, और एक बैग, और एक मेरे शोल्डर पे, इसमें बहुत सारे कपड़े हैं। दो दिन निकल जाओ तो भी बहुत सारे कपड़े कैरी करने पड़ते हैं, बिकॉज मैकेनिक इसके बहुत सारे कपड़े रहते हैं, हर एक घंटे कपड़े चेंज करते हैं। तो ये फिर चलते फटाफट। हाँ क्या हुआ गाड़ी को मैकेनिक, क्या हुआ गाड़ी को? कुछ नहीं हुआ। चलो क्या टाइम हो गया है देखो, और हम लोग कब निकले थे, मम्मी पापा इधर बेटे, और ये देखो क्या है ये सिंघम, स्टिकर्स है ना, चिंगम नहीं हो, चिंगम नहीं है, सिंघम सिंघम पुलिस, खा लो खा लो, कुछ टेंशन नहीं, खा लो खा लो। 11:30 बजे निकले थे और पहुंचे अभी कितना 1:15 बजे, मतलब आराम आराम से आए, क्योंकि जैन साहब से गाड़ी भगाते हैं हम लोग, तो अभी आए, भूख बहुत लगी है मेरे को भी, और जैन ने आते चालू किया उसका खेलने का सामान सब, तो खाना खाएंगे फिर देते कहीं प्लान बनता निकलते, दोस्त लोग को मिलेंगे, आपको मिलाता हूँ, ठीक है। ये देखो बता क्या क्या है, क्या क्या है सब, ये मोटू पतलू, मोटू पतलूस, उसमें तू कौन है, पतलू पसंद, खाना लगा है ना, चल दादी घर पे आके नखरे बढ़ जाते इसके, है ना। तो आज का स्पेशल क्या है देखो, ये है अम्मी काय की रोटी है, नांगली की रोटी, क्या डाइट कॉन्शियस बन गए ना अपन अभी, तो रोटी, और उधर चिकन फ्राई पप्पा ले रहे, और इधर राइस है, राइस थोड़ा कम खाएंगे, और दाल चावल दाल है, और सब्जी कौन सी, वो वाल की सब्जी है, वाल डेट, एंड वो दूसरी थी माड़ भाजी, माड़ भाजी बोलेंगे तो, क्या था माड़ भाजी बोले तो ऐसे वेजिटेबल ही है, अभी वो मेरे को भी इतना आइडिया नहीं हिंदी में, वो तो कैसे समझाओ आपको मैं, बट टेस्टी रहता खाने के लिए, तो एक रोटी के साथ थोड़ा सा राइस दाल चावल खाएंगे, डाइट कॉन्शियस बन गए तो फिर उतना करना जरूरी है क्या नहीं, बाद में चिकन वगैरह खाएंगे शाम को आराम से, कुछ दिखाएंगे आपको, इतना ब्राइट शाइन हो रहा है पीछे देखो, और सामने का जो एटमॉस्फेयर है एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी, और क्लाउड भी नहीं बिल्कुल, स्काई पूरा ब्लू है, एक से आपको दिखाता हूँ मैं, एक्चुअली क्या है, मैं वो जैन जा रहे साधव को लेने के लिए मनोर, अभी टाइम हुआ शाम के 5:10 बजे, और जस्ट थोड़ा हल्का का बारिश होके गया है, और सनलाइट बहुत हार्ड हो रही है, तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, और पूरा क्लाइमेट एकदम चिल्ड है, और भी मैं देख रहा हूँ पहाड़ के उस तरफ थोड़े बादल आ रहे काले काले, उसके पहले हमको मनोर पहुँचना पड़ेगा, अभी जाते हैं पहले मनोर, साधव को पिकअप करते हैं, फिर वहाँ से कुछ प्लान होता है अकॉर्डिंगली आपको बताता हूँ मैं, ठीक है चलो। हम लोग मनोर तो पहुंच गए, पर साधे का वेट कर रहे है कि नहीं, देनु कब से फोन कर रही थी, का का का, देख पीछे आ गए, देख पीछे आ भी गई साधे का, सो आइए फिर चलते, देख के कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, सो हम लोग कहाँ पहुंचे अभी फूड अप, और हम लोग को जाना है मैगडी, टाइम हुआ है 6:05, और मैगडी जाना जरूरी है, बिकॉज आज का दिन पता है ना, ये अगर हाईवे पे आया हूँ मैं यहाँ पे साधिका को लेके या जैन को लेके, और मैगडी नहीं गया तो मतलब दिन वेस्ट है, तो आइए फिर मैगडी चलते, थोड़ा चील मारेंगे, कहाँ जाने का अपने को, किधर कौन दे रहा पार्टी, पार्टी कौन दे रहा है, हाँ तो हलाल गिरी
चल अभी आए तो खर्चा कर देना हम लोग के ऊपर। मारता क्या उसको? चल देखो, हम लोग ने ये जो भी ऑर्डर किया है ना अभी, ये मोस्ट ऑफ द हम लोग क्या कर दे, मैगडी में जब आते तो ये मैगडी एप्लीकेशन है, यहाँ से मंगाते। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आपका डिटेल फीड करना है और समझो आपको ये फ्राइज लेना है, इसको क्लिक करना है, रिडीम करना है, एक्टिव करना है। अगर आप एग्जिस्टिंग लॉगिन रजिस्टर है आपका तो फटाफट हो जाएगा, अदरवाइज आपको और भी उसमें चेंजेस कर, मतलब सब डेटा फीड ऐड करना है। ये बार हो जाएगा, यहाँ पे बारकोड आएगा, वो स्कैन करना है। तो देखो ये स्कैन है ना, ये स्कैनर दिखाना है वहाँ पे और ये ऑर्डर आपका कंफर्म हो जाएगा। अच्छा नॉर्मली आप लेने जाओगे तो इसका प्राइस ज़्यादा है, पर एप्लीकेशन से इसका प्राइस कम हो जाता है। देखो 235 232 का है, ये आपको 149 मिलता है, तो हमने कुछ इससे पैसा बचा है। जब भी मैगडी आते हैं ना तो ऐसा कुछ पैसा सेविंग कर दे, मतलब पैसा सेव कर दे और एक ऑर्डर की जगह पे दो ऑर्डर मिल जाता है अपने को। ये बेनिफिट है एप्लीकेशन यूज़ करने का। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो भाई लोग, ऐसा नहीं चलता है। इससे पहले मैं डिटेल बताते रहूँ इधर सब खत्म हो जाए, इसके पहले मैं भी हाथ मार लेता हूँ, है क्या नहीं। और एक बात जो मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक खुशखबरी है, तो वो खुशखबरी क्या है वो अभी नहीं बताऊँगा, पहले ख़त्म करते खाते उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। शादी का इसलिए मैं वेट कर रहा था, शादी का आएगी उसके बाद ही आपको बताऊँगा, तो बता दूँ, मतलब बहुत से लोगों को पता भी होगा पर ब्लॉग में कभी वो बात बताई नहीं आज तक मैंने, तो बताता हूँ आपको, ठीक है। मजा आया? हाँ पैसा ला, मम्मा मेरा कार्ड लेके गई है, कार्ड मेरा कार्ड लेके गई मम्मा, तो नया कार्ड लेके। देखो शादी का तो लाइन में खड़ी है पार्सल लेने के लिए, मम्मी पापा के लिए भी पार्सल टेक अवे कर लेंगे। सबसे ज़्यादा मज़ा इसने किया, ये हर चीज मज़ा करता है। ये देखो इधर लाइन, आसमान में बादल आ गए, आई होप बारिश ना हो। मैं जो खुशखबरी की बात कर रहा था ना कब से, मतलब क्या कुछ बताने आपको, वो बात यह है कि हमारे इंस्टाग्राम पे एक रील वीडियो अपलोड किया था जिसको ऑलमोस्ट 100K, मतलब कितना हो गया, 1 लाख व्यूज़ आ गए और बहुत सारे मतलब कमेंट भी आ गए, शेयर्स भी हो गए और लाइक्स भी है। अगर आपने अब तक वो रील देखी नहीं है, मेरे इंस्टा पेज पे जाइए, रील आपको देखने मिलेगी। इवन अगर नहीं जाते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करना और देखना। शायद मेरी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी थी, वो आइडिया कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद आ गया, इसी लोगों ने वो रील को ज़्यादा वायरल कर दिया है कि नहीं। कंगन भेजने पड़ेंगे भाई। तो आइए फिर चलते हैं घर पे, ऑलमोस्ट टाइम हो गया 7 PM और जो पार्सल है मम्मी पापा के लिए, कहीं ठंडा ना हो जाए, गाली ना पड़े, ये चलते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ये, मेरी जान, क्या बोलते मियाँ, कुछ नहीं बोलते मियाँ, फोटो हंस ना, मम्मा कैसे हंसती है। चलो फिर निकल दे घर पे, अपना घर पे मिलता हूँ मैं। हम लोग घर पे आ गए, पर एक बात आपको सबको बताता हूँ मैं, जो लोग हाईवे ट्रैवल करते हैं, जो ऑलरेडी सबको पता है, जिसको नहीं पता है उनको बताता हूँ मैं। हाईवे भाई लोग, मतलब तुम ट्रैवल कर रहे हो तो रात को बाइक पे या शाम को टाइम पे बिल्कुल ट्रैवल मत करना, बिकॉज रोड पे इतने क्रैक्स पड़े हुए, इतने खड्डे हैं बीच में, सडनली इतने बड़े खड्डे जिसका हिसाब नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर जाना हुआ भी तो स्पीड मिनिमम 30 मैक्सिमम 60, बस इसके ऊपर मत चलाना, बहुत ख़राब रोड हो गया, बहुत ख़राब रोड हो गया, मतलब ऐसा लिटरली ना दो दो फीट के ऐसे गड्ढे हो गए और सडनली गड्ढे, और हाईवे पे स्ट्रीट लाइट रहती नहीं है, दिखेगा नहीं आपको, आपकी कार की या बाइक की लाइट कितनी भी शार्प रहें दो इश्यू हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ अवॉइड ट्रैवल ऑन हाईवे इन नाइट।
अभी टाइम हुआ 8:05, दोस्तों राह देख रहे हैं, अभी उधर निकल रहा हूँ, खाना खाने बहुत टाइम है अब तक, तो दोस्तों से मिलता हूँ, बातें शादी करते फिर आके ब्लॉग को एंड करेंगे, आता हूँ मैं। रात के बज गए 9:30 ना, 9:30 और हम लोग कहाँ पे है ये हमको भी नहीं पता, और बारिश हो रही हल्की हल्की, और देखो मेरा भाई शाहू भाई जा रहे आगे सालन लेके, उसके आगे चड्डा भाई गए राइस लेके, पीछे से आ रहे हमारे कादर भाई, सॉरी क्यों दुनिया को आग लगा देगा, ये देखो घर पे गाली खा के आए, खाना खाने इधर जंगल में, लोकेशन नहीं बताऊंगा तो पापा इधर नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे हमारे साथ खाना खाने के लिए, ये चम्मच लेके आएगा भाई, चटा लाई ना, चटा लाई ना, ये हमारे पापा नदीम, दिल जले दिल जानी, मैं कह रहा हूँ तुम ये सब पानी लेके आए, पानी कौन लेके आए, पानी हम लोग लास्ट टाइम उधर गए थे, वाट लगा दी, देखो अंधेरा पूरा सब जगह अंधेरा, हम किधर है हमको भी नहीं पता, आने में क्या पूछा रहता हूँ, व्लॉग बंद कर देंगे इधर, क्या है ना यहाँ पे, ओहो मस्त मसाला है, और गांवटी मुर्गा क्या बात है, दो गांवटी मुर्गे मजा है, साथ में राइस भी है और प्लेट भी है, और कितने बंदे हम लोग देखो यहाँ पे, शाहिद भाई, कादर भाई, इम्तियाज भाई, और इधर नदीम भाई, इधर मैं तुम्हारा भाई, सब जगह अंधेरा है, सिर्फ फ्लैश लाइट पे खाना खा रहे, खाना खाता हूँ मिलता हूँ, बहुत टाइम होने वाला है, इधर घर पे ऑलरेडी गाली खा चुका हूँ मैं, बाहर आया था आवाज बहुत आ रहा है, ये तो मेन है रायता, इधर भाई खा ले आलू आलू खा, आलू आलू खा, आलू आलू गावात आलो मित्रांकडे आलो जेवण म्हणून त्यांनी गावटी कोंबडी कापल्या दोन, बजरे जेवा ठेवणा खाऊ जा की उद्या करा मग कन्फर्म आपलं तुला, ए आवले जरा कमले ना, पॅटी मारे इसलो पण मला दिसला पाहिजे यार, तोडलं ते रवी माने बॅटरी इसको पण, अरे बॅटरी काय जाय इसमें क्या गिरा मेरे, सांगतो तुला जितना मारेगा ना उसका उसके अंदर रहेगा बैटरी, बुढ़ा आ गया ना लाभ, तो हमारा नंबर कब आएगा भैया, आते आते खत्म ना हो जाओ भैया, इधर हमारे में सीन कैसा हुआ क्या, जो पहला रहता है ना तो लास्ट जाते वापस कलम बुला जाता है, डाइट की वाट लग गई है, चलो भाई खाना खाते, सब सुपड़ा साफ, 9:10 9:10 कितना बजे, 10:10 सॉरी माय मिस्टेक, चलो चले ऐसे कमी ने कि पानी पीने के लाया नहीं, हाथ धोने के लाया नहीं, देखो ऐसा ही जा रहा हूँ बिना हाथ धोए, ए संभाल क्या रे, इधर साफ हो सकते हैं, अंधेरा है, समझ में आ रहा है गाड़ी को क्या हो रहा है मेरे, देखो रात का टाइम क्या हो गया, 11:30, ये स्क्रीन सेवर नहीं है, ये नहीं आता है, बोला कि इसका स्क्रीन सेवर रखा है, लुखेगा ऐसा आता है, 11:23 हो गए तो मेरा गाड़ी चालू नहीं हो रहा है, फिर से वो इग्निशन कॉइल का इशू हो गया कुछ, तभी अभी धक्का मारे घर पर जाना पड़ेगा, यहाँ से घर मेरा यहाँ से अराउंड है 5 मीटर दूर, यहाँ पर रुका हूँ अंधेरे में, मेरे जब पीछे मेरी बड़ी मम्मी का घर है, वहाँ से जब आया मैं खाना खा के, गाड़ी खड़ी किया इधर, तो बारिश तो रुक गया, और अभी गाड़ी चालू कर रहा, कम से कम 25 मिनट गाड़ी चालू कर रहा हूँ, चालू नहीं हो रहा यार, मतलब हालत ख़राब हो गई, आज दिन की शुरुआत तो अच्छी हो गई थी, एंड बहुत ख़राब हो रहा है, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है, आई थिंक व्लॉग इधर ही एंड करना पड़ेगा, क्योंकि धक्का मार के जाना पड़ेगा गाड़ी को मेरे को भी, और घर पर जाऊँगा बहुत गाली पड़ने वाले, तो उनके सामने व्लॉग एंड करने जाऊंगा तो फिर और गाली पड़ेगी, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर कर, सब्सक्राइब करना, मिलते बड़े व्लॉग में, टिल देन टाटा वाटे कलर्स, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, बूम।